तो दोस्तों, आपके पास एक आ रहा है सवाल मैथमेटिक्स का कि 11,111 कैसे लिखते हैं। बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, कई लोग जानते भी होंगे शायद। अगर आप जानते हैं तो इस वीडियो को ना देखें, अगर नहीं जानते हैं तो इस वीडियो को ज़रूर देखिए, क्योंकि आपको कोई भी पूछ सकता है और कहीं भी आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है ये क्वेश्चन कि 11,111 कैसे लिखे। कई लोग फंस जाते हैं इसमें, ऐसे लिखने लगते हैं 11,111 ऐसे लिखते हैं, तो फिर ये प्रॉपर एक सैकड़ा हज़ार दस हज़ार लाख, ये लाख बन जाता है 11,111 लिखने में, तो मतलब नहीं लिख सकते ना इसको ऐसे। तो दोस्तों, बहुत ही छोटी सी लॉजिक है, तो इसको पहले ये समझ लेना है आपको कि 11,111 पहले है 11,000, ठीक है, प्लस फिर कितना है 11,100, 1100 फिर कितना है 11, 11,111 हो गया, यानी कि टोटल 12,111 हो गया। दोस्तों, ये 11,111 का मतलब हो गया 12,111। तो सीधा सीधा कोई पूछता है तो 11,111 कैसे लिखाएगा, तो उसको मतलब 11,111 को जोड़कर 12,111 लिख सकते हो आप। ये होगा करेक्ट आंसर, कोई दिक्कत नहीं है, आप बिल्कुल नहीं फंसोगे अगर ये लिख दोगे आप। तो इसी तरह से भी होता है 12,112 कैसे लिखते हैं, 13,1313 कैसे लिखते हैं। दोस्तों, मैं भी फंस गया था, तो बाद में मेरे को पता चला, इसलिए मैं सोचा कि चलो इसके ऊपर एक वीडियो छोटा सा बना ही देता हूँ। दोस्तों, वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि आगे भी चटपटे सवाल आपको मिल सके और उसका जवाब दे सके, जान सके। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।